हमेशा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाई बीपी में कौन से प्राणायाम करूं, लो बीपी में कौन से करूं, कौन से फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम है, कौन से स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम कौन से हैं, फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम कौन से हैं। इस पर मैं वीडियो बहुत टाइम से बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम मुझे हाई बीपी रहता है तो मैं कौन सा प्राणायाम करूं, मैम मुझे ये प्रॉब्लम है तो कौन सा प्राणायाम करूं। यहाँ पे देख लीजिए कि प्राणायाम बिल्कुल एक अच्छे से मार्जिन लाइन के साथ में डिवाइडेड है। स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम कौन से हैं, फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम कौन से हैं, वो मैं आपको बता दूँ। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी कि किसको स्लो ब्रीदिंग करना चाहिए और किसको फास्ट ब्रीदिंग करना चाहिए। देखिए, स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम जब कभी आप अनुलोम विलोम कर रहे हो, बहुत स्मूथली इनहेल एक्सहेल होता है उसमें, वो स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम है। आप उज्जयी कर रहे हो, उज्जयी में भी बहुत स्मूथली इनहेल और बहुत स्मूथली एक्सहेल करते हैं, वो भी स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम है। उसके अलावा अगर आप भ्रामरी कर रहे हो, वो भी स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम है। फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम में अगर आप भस्त्रिका का प्राणायाम कर रहे हो तो वो फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम है। अगर आप कपालभाति कर रहे हो, पेट को इन एंड आउट कर रहे हो, वो फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम है। लेकिन यहाँ पे हाई बीपी वालों को स्टार्टिंग में हमेशा मना करा जाता है फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम करने के लिए। ना उनको भस्त्रिका करना है, ना उनको कपालभाति करना है। और कपालभाति प्राणायाम तो वैसे भी क्लीजिंग प्रोसेस है, तो वो बहुत लोगों को करना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कपालभाति और अनुलोम विलोम इन दो पे ही टिके रहते हैं। आपको ये फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम अगर हाई बीपी है तो नहीं करना है, लेकिन अगर लो बीपी है तो आप फास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो आपके जो लो बीपी है उसको हाई बीपी मतलब कि उसको नॉर्मल ले आएंगे। हाई बीपी नहीं, मतलब उसको नॉर्मल ले आएंगे। और वहीं पे जो स्लो ब्रीदिंग वाले प्राणायाम है वो हाई बीपी वालों को करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने हमेशा नोटिस करी है वो ये कि लोग बोलते हैं कि मैम तो क्या हुआ, हाई बीपी है, मुझे तो भस्त्रिका करना है, मैं करना चाहता हूँ भस्त्रिका, मुझे कपालभाति करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमेशा हम फास्ट ब्रीदिंग के जो प्राणायाम है उसको स्लो भी कर सकते हैं। स्लो वाले को फास्ट करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन जो फास्ट ब्रीदिंग के प्राणायाम है उनको आप स्लो कर सकते हैं। यहाँ पे भस्त्रिका प्राणायाम मोस्टली हम बहुत तेज तेज करते हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी जो है वो एकदम से जनरेट हो और हम एनर्जेटिक हो जाएं। हाई बीपी में अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो बीपी है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा। अगर आपको हाई बीपी में भस्त्रिका करने की जिद है कि मुझे करना ही है भस्त्रिका प्राणायाम, तो आप बहुत स्मूथली कीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। अगर आप इतना स्मूथली इतना स्लोली कर रहे हैं तो आप हाई बीपी में भी यूज़ कर सकते हैं, और वही सेम हम कपालभाति भी करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं भस्त्रिका को स्लो कैसे करना है। ये आपने मुट्ठियाँ बंद कर ली, अब यहाँ पे नहीं रखना है मुट्ठियों को, हमेशा यहाँ पे रखना है। आपके जो चेस्ट हैं वो पूरे तरीके से ओपन रहने चाहिए। ये मुट्ठियाँ यहाँ बंद करी, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और इनहेल करेंगे, इनहेल, और हाथों को जब नीचे लेके आएंगे तब एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल। ये बहुत स्मूथली करा, बहुत धीरे करा मैंने। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हमारे हाथ यूँ ऊपर गए तो अब हमें हाथों को यूँ आगे नहीं लेके आना है, नीचे वहीं पे साइड में लेके आना है। आपने कई बार जिम में देखा होगा कि कई जने इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं कि वो रॉड उन्होंने पीछे पकड़ रखी है और रॉड को यूँ लेके जाते हैं और रॉड को सिर के पीछे से नीचे लेके आते हैं, कान के पीछे से नीचे लेके आते हैं। वही भस्त्रिका में करना है, स्लो स्पीड से करना है। मैं आपको दो बार करके बता रही हूँ। अब ये है स्लो भस्त्रिका। अगर आपको हाई बीपी है और आप चाहते हैं कि मैं भस्त्रिका करूं तो डेफिनेटली आप स्लो ब्रीदिंग से करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। वही हम कपालभाति में कर रहे हैं, देखिए बहुत स्लो करना है हमें। ये बहुत स्लो कर रही हूँ, इसमें मैं ज़बरदस्ती पेट को इन एंड आउट नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाइए जिसमें आप ब्रीदिंग। फ्रेंड्स, मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है क्योंकि बाहर से बहुत नॉइज़ आ रही है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि हमें हमेशा फास्ट ब्रीदिंग के प्राणायाम को अगर स्लो कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है, फास्ट करने पे नुकसान है। तो आप ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि आप स्लो ब्रीदिंग वाले प्राणायाम तो कर ही रहे हैं रेगुलर,
फास्ट ब्रीदिंग वाले प्राणायाम को भी स्लो करके देखिए, आपको उसका फ़ायदा डबल मिलेगा और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे फास्ट और स्लो ब्रीदिंग के प्राणायाम को पूरा अच्छे से मैंने मार्जिन लाइन के साथ में समझा दिया है कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है और आप फास्ट वाले को इस कैटेगरी में कैसे ला सकते हैं। तो अब आप पाँचों प्राणायाम कर सकते हैं, पाँचों के फ़ायदे उठाइए और उसको स्टेप बाय स्टेप आप अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस सीरीज सेट कर सकते हैं। उस पर भी मैंने वीडियोज़ बना रखी है कि क्या चीज़ पहले करनी चाहिए, क्या चीज़ बाद में करनी चाहिए, कौन सा प्राणायाम पहले कौन सा बाद में, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगी। कई बार क्या होता है कि हमारी नोज़ बंद होती है तो उस केस में हमें प्राणायाम का सीक्वेंस चेंज करना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके सजेशंस में वीडियो आने लग जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में उसके पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी जो भी रेगुलर न्यू वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।